देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। ये परफ्यूम की इतनी तेज स्मेल कहाँ से आ रही है? अब जैसे ही मैं इसे अंदर लेकर जाऊंगी, एक आग का भपका आएगा जिससे किसी को कुछ होगा नहीं, लेकिन रुचिता को डराने के लिए ये काफी है। क्या हो गया अचानक, ये आग कैसे लगी? पता नहीं साहब जी, हमको खुद पता नहीं चला। कैसे समझ में आएगा, इतना लंबा तो घूंघट काट के रखती हो सारा दिन, तुम्हें कुछ दिखता भी है आगे? चलो फौरन ये घूंघट हटाओ। पता है आज तुम्हारी वजह से घर में आग लग सकती थी, और नहीं तो फिर तुम्हें कुछ हो जाता और सारा इल्जाम हमारे सर पर आता। देखो या तो तुम ये घूंघट हटाकर रहोगी, नहीं तो फिर भैया निकलो यहाँ से, हमें काम नहीं करवाना तुमसे। जाओ। रहने दीजिए ना मॉम, इसने हमें पहले ही घूंघट के बारे में बताया था, हमें रिस्क पता था, तो क्यों इससे अभी घूंघट उतरवाना? छोड़िए आप, आगे से और संभल के चला करो। जाओ अब। कोई बात नहीं, तुरुप का इक्का भी बाकी है। अब फूल चढ़ाओ, अब जल ले लो लोटे वाला। चेहरे पर चांद की रोशनी लेने के लिए मुझे ये घूंघट हटाना होगा, इसलिए अभी पूजा नहीं कर सकती, पर मुहूर्त सिर्फ 11 बजे तक ही है, कैसे होगी मेरी पूजा? इमरती तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर खाने की तैयारी करो। और इमरती तुम सबको खाना खिलाकर बर्तन भी साफ कर देना। जी। मुहूर्त खत्म होने में 40 मिनट अभी भी रह गए, सब अपने कमरे में चले गए होंगे, जाकर देखती हूँ। हॉल में कोई नहीं होगा तो पूजा शुरू करने का मौका अभी है। इमरती मेरी ये साड़ियाँ इस्त्री कर देना, तो लो पकड़ो। ओह बहुत नींद आ रही, मैं तो चली सोने, प्रतीक के पापा तो सो भी गए होंगे, पर तुम ये साड़ियाँ इस्त्री किए बगैर सोना नहीं। यहाँ सिर्फ 20 मिनट बचे, फटाफट पूजा कर लेती हो वरना मुहूर्त खत्म हो जाएगा। कहाँ जा रही हो इमरती तुम? मालकिन आप सो ही नहीं अभी तक? हाँ सोने ही जा रहे थे, पानी लेने आए थे, और तुमसे ये भी कहने आए थे कि फ्रिज में मेथी रखी है वो तोड़ लेना, सुबह मेथी के पराठे बनेंगे। और हाँ अगर हॉल का काम हो गया हो तो हॉल की बत्तियां बंद कर देना, सब सोने चले गए हैं, हॉल में भी कोई नहीं आएगा। ठीक है।